हिमाचली लोक गीतों को समर्पित ओ ढोला मेरिया गाने को एसडीएम घुमारहवी राजीव ठाकुर ने रिलीज किया। राखी गौतम हिमाचली मैशअप लेकर आई हैं। उन्होंने हिमाचल के लोक गीतों को जोड़कर हिमाचली गीतों का गुलदस्ता तैयार किया है, जिसे आज एसडीएम घुमारहवी ने रिलीज किया। इस हिमाचली मैशअप की शूटिंग पालमपुर के टुलिप गार्डन और चाय के बागवानों में हुई है। इस हिमाचली मैशअप को गोगी बैंड सुशील कुमार गोगी ने द्वारा फिल्माया गया है, जबकि वीडियो डोनी राणा ने ओ मेरे ढोला मेरिया की गायिका राखी गौतम ने बताया कि यह उनका पहला हिमाचली लोकगीत है। इससे पहले उन्होंने कई धार्मिक गीतों को अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनका यह गाना लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। एसडीएम राजीव ठाकुर ने हिमाचली मैशअप ओ ढोला मेरिया की टीम को बधाई देते हुए टीम के प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने राखी गौतम को घुमारहवी में होने जा रहे ग्रीष्मोत्सव की सांस्कृतिक संध्या में अपने सुरों का जादू बिखेरने के लिए भी आमंत्रित किया, साथ ही गीत की सफलता का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले तो हिमाचल वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा ये पहला हिंदी और हिमाचली मैशअप है, तो कुछ नया करके मतलब हमने शूट किया है इसको। इसकी शूट जो हुआ है पालमपुर के टी गार्डन और ट्यूलिप गार्डन, जो मतलब हिमाचल में सबसे पहले शूट जो मेरा हुआ है इस गाने का, वो मेरा ही हुआ हिमाचल में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो हिमाचली संस्कृति है उसे हम आगे बढ़ाएं, और कुछ नया हमने इसमें मैशअप का बॉलीवुड और हिमाचली किया है, तो आप सभी ज़रूर देखें इस गाने को जी। सर ये स्टूडियो सोलन अर्की में कुनिहार में है, गोगी बैंड करके नाम है, हिमाचल का बहुत मशहूर नाम है, तो सुशील कुमार गोगी जी के स्टूडियो में हुआ है, डीएनजी प्रोडक्शन से। और इसका जो वीडियो डायरेक्टर है वो मैम डोनी राणा जी हैं, जो सुशील कुमार गोगी जी की वाइफ है। हाँ जी, राखी गौतम बिलासपुर की और पूरे हिमाचल प्रदेश की एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, और आज इन्होंने जो पहाड़ी और हिंदी मैशअप का है वो ढोला मेरिया सॉन्ग लॉन्च करा है, इसकी शूटिंग पालमपुर में हुई है। इसके लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ये सॉन्ग जो है वो काफ़ी अच्छा गाया हुआ इन्होंने, और इसके लिए मैं उपमंडल घुमारहवी के सभी लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए कुठेड़ा बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।